जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नामांकन के बाद 25 जिलों में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि कुछ जिलों में दूसरे प्रत्याशियों ने नामांकन नहीं किया और कहीं उनका नामांकन खारिज भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर, श्रावस्ती, ललितपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, चित्रकूट, बलरामपुर, आगरा, गोरखपुर, मुरादाबाद, मऊ में किसी भी दूसरे प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया। हालांकि इसी बीच आरोप लग रहे हैं कि दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा भरने नहीं दिया गया है। साथ हमारे संवाददाता नोएडा से हिमांशु हमारे साथ है, संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ चित्रकूट से ओमकार जुड़े हुए हैं, विशांत है हमारे साथ वाराणसी से। संकल्प, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से सपा की तरफ से खूब हंगामा किया गया, आरोप लगाए कि भाई प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया। अब जिस तरह के नतीजे रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, अब पार्टी नेतृत्व नाराज है। 11 ऐसे जिला अध्यक्ष जिनको हटा दिया गया है। संकल्प जी, बिल्कुल, जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले एक सेमीफाइनल के तौर पे सभी पार्टियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयारी की थी, ऐसे में अगर बात की जाए तो अगर जो कल तस्वीरें सामने आई, कई जिलों में कई जगह पे ये देखा गया कि कई कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हुई और ऐसे में ये साफ हो गया कि 17 जो सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने किसी भी तरीके से कहा जा सकता है कि अपनी जीत घोषित कर ली है, जबकि एक सीट पे समाजवादी पार्टी निर्विरोध चुनी गई है, जो कि इटावा से है, जो कि इटावा से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में जिम्मेदारियों को बखूबी ना निभा पाने पे समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्शन लिया गया है, क्योंकि 2022 को लेकर के सभी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। उनका मानना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से ही कहीं ना कहीं ये एक बतौर सेमीफाइनल सभी पार्टियां ले रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से कार्रवाई की गई, 11 जिलाध्यक्षों पर जो कार्रवाई की गई है उस पर नरेश उत्तम का कहना है कि ये किसी लापरवाही को लेकर नहीं है, ये पार्टी की एक कहा जा सकता है कि नियमित प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले जिलाध्यक्षों को हटाया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जिम्मेदारियों को बखूबी ना निभा पाने और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में विफल रहने के चलते अखिलेश यादव की तरफ से कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई से पूरा साफ है, ये कहा जा सकता है कि ये पूरा ये जो इस पूरी कार्रवाई को इस तरीके से देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव में लापरवाही बरतने पर किसी भी पदाधिकारी हो या फिर जिलाध्यक्ष हो उनको माफ नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी, क्योंकि लगातार कई अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हुए, भारतीय जनता पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से कमर कस चुकी थी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ी विफलता जहां समाजवादी पार्टी को हाथ लगी, कई जिलों में झड़प की तस्वीरें आई और अखिलेश यादव ने खुद भी इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए, प्रशासनिक अफसरों पर मिली भगत होने का आरोप लगाया। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह की कल तस्वीर निकलकर सामने आई वो हमने देखा अलग अलग जिलों से। गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं, वीर सिंह यादव, एक्शन लिया गया है सपा अध्यक्ष की तरफ से उन पर। अब ऐसे में अगर हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की, तो इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, जैसा कि संकल्प भी जिक्र कर रहे थे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी की ये संदेश देने की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब किसी तरह की लापरवाही या कोई चूक नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तरफ से ये कार्रवाई की गई, 11 लोगों को पदमुक्त कर दिया गया जिलाध्यक्ष पद पर। लंबे वक्त से गौतम बुद्ध नगर में वीर सिंह यादव यहाँ जिलाध्यक्ष थे और पार्टी के बड़ा चेहरा भी हैं। इसके अलावा अगर बातचीत करें यहाँ पर, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीट है पंचायत चुनाव के लिहाज से, यहाँ पर 5 वार्ड हैं और 5 वार्ड में 3 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पंचायत सदस्य जीते, वहीं 1 पर बहुजन समाज पार्टी और 1 निर्दलीय। ऐसे में सपा यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल सकी। इसके अलावा जब नामांकन की बात आई तो किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया और उसमें बात करें तो अमित चौधरी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पंचायत सदस्य थे उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया, उन्होंने पर्चा भी भरा। तो ऐसे में ये बिल्कुल तय है, ये माना जा सकता है कि निर्विरोध चुनाव अमित चौधरी यहाँ पर जीत जाएंगे। और अब अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में लगातार आरोप लगाए गए
और जो गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए उसमें ये था कि जो वार्ड सदस्य था, जो यानी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का प्रस्तावक महिला थी, उनको ही बंधक बना लिया गया। ऐसे में वो पर्चा नहीं दाखिल कर पाए। लेकिन वहां समीकरण को अगर ध्यान दें तो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी ही थी, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी थी, और फिर यहाँ पर बीजेपी थी। यानी उनका आरोप यह है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत और पुलिस की मिलीभगत की वजह से इन्होंने उनके प्रस्तावक को ही बंधक बना लिया। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष का जो प्रत्याशी था वो अपना पर्चा नहीं दाखिल कर सका। ठीक है। और बिल्कुल ममता त्यागी हैं जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये तय है कि अब वो जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगी। लेकिन कहीं ना तोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, संदेश देने की कोशिश है, मैसेज देने की कोशिश है कि अभी हमारे साथ हैं और हम जो है सीट जीत रहे हैं। जी ठीक है। विशांत, वाराणसी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो सपा प्रत्याशी थी चंदा यादव, उनका नामांकन रद्द किया गया। उसके बाद अब जो बीजेपी प्रत्याशी पूनम मौर्य है उनको निर्विरोध चुन लिया गया है। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासत गर्म हो चुकी है। जो कल पूरा घटनाक्रम रहा, जिस तरह से हमने देखा, पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो गोरखपुर और वाराणसी में जबरदस्त जो सियासी हलचल रही है। और वाराणसी की अगर बात की जाए तो दो दो नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों ने आरोप लगाया था कि एक दूसरे पर आरोप लगाया था कि दोनों के नामांकन पत्र खारिज किए जाएं क्योंकि दस्तावेज सही नहीं है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों ही पार्टियों के लोगों को ये समय दिया कि आप जो दावे कर रहे हैं कि इनके दस्तावेज खारिज किए जाएं एक दूसरे पे, किन आधार पर कर रहे हैं, साक्ष्य दीजिए। जिसके बाद 3 घंटे का समय दिया गया। फिर करीब 6:30 बजे जिस तरह से दोनों प्रत्याशियों के लोग और दोनों प्रत्याशी के जो पार्टी समर्थक थे वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जो चीजें पेश की, फिर एक लंबी बैठक चली जिसमें जिला अधिकारी भी बैठे थे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे थे। और एक लंबी बैठक के बाद 11:30 बजे के बाद प्रशासन की तरफ से समाजवादी पार्टी को जो दस्तावेज दिए गए, जो हमारी बात हुई जी मीडिया ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि एक नामांकन पत्र बीजेपी का खारिज किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के दोनों नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। तो उस लिहाज से अब ये माना जा रहा है कि जो पूनम मौर्य है वो निर्विरोध चुन ली जाएंगी। तो ये एक बड़ी चीज है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि शासन और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ऐसा किया गया है। तो एक जो देखा गया था कि जिस तरीके से जो अगर मैं जिला पंचायत सदस्यों की बात करूं, वाराणसी में तो 40 हैं, उनमें से 16 बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के हैं और वही करीब 8 सदस्य बताए जा रहे थे बीजेपी के हैं। तो जिस तरीके से एक टक्कर थी और एक बढ़त बनाई हुई थी समाजवादी पार्टी और इस तरह से नामांकन रद्द होना, तो ये बिल्कुल एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी का चुना जाना ये बड़ा सेटबैक होगा समाजवादी पार्टी के लिए। आकांक्षा, बिल्कुल। और ओमकार, अगर बात की जाए तो कई ऐसे जिले जहां पर प्रत्याशियों ने, जो दूसरे प्रत्याशी हैं, उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 25 ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी की जो जीत है वो लगभग तय मानी जा रही है। चित्रकूट भी उन्हीं जिलों में शामिल है जहां पर किसी दूसरे प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। ओमकार, नामांकन पत्र ही नहीं खरीदा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का अकेले अशोक जाटव जो प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है और वो लगभग निर्विरोध तय हो गया है। उनका फॉर्मेलिटी है जो 29 तारीख को प्रमाण पत्र देकर पूरी की कर दी जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो उनके पास जो जिला पंचायत निर्वाचित सदस्य थे भाजपा के 4 थे, बाकी 6 सपा के पास थे और 6 उसके पास थे बसपा के पास। लेकिन वो किसी भी दल के किसी भी सदस्य ने वहां पर नामांकन पत्र नहीं खरीदा है। हालांकि यहां समाजवादी पार्टी के पास अनुसूचित जाति का कोई सदस्य नहीं था, क्योंकि यहां जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, इसलिए यहां पर जो योग। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा वालों का कहना यह है कि यहां पर और किसी दल के पास योग्य प्रत्याशी ही नहीं था कि जो इस बोर्ड को चला सके, इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास जताया है और किसी ने
पर्चा नहीं खरीदा है, जिससे उनका नामांकन पत्र अकेले दाखिल हुआ है और अभी वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो गए। ठीक है ओमकार, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल आपका भी शुक्रिया, संकल्प आपका भी शुक्रिया और हिमांशु आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल